नहीं नहीं नहीं, किसने मारा था आपको? डीके सिंह ने मारा है। डीके सिंह साहब बहुत बढ़िया, मतलब प्राधिकरण बुलवा के यहाँ पर आवंटियों को मार करवा रहे हैं। बात कर रहा हूं। और इन लोगों की गलती है, इनका ये कब्जा करवाए, गुंडे करेंगे, यहाँ गुंडे ही होने लगी सर। ये प्राधिकरण है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिन्नतों पर नौकरी पाने वाले सरकारी अफसरों की मनबढ़ई ऐसी है कि उनके दरबार में आ रहे लोग वो बिना उम्र का लिहाज किए थप्पड़ खाए जा रहे हैं। अफसरों का मजा ये है कि उन पर जांच के बाद क्या ही कार्रवाई होगी उन्हें भी पता है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण की है, जहाँ जनता अदालत में आए एक शख्स को यहाँ के एक PCS अधिकारी ने अपने पद की हनक के चक्कर में थप्पड़ मार दिया। हालत ये हुई कि पूरा मामला संभालने के लिए LDA के वाइस चेयरमैन को मौके पर आना पड़ा। घटना गुरुवार की है, जब लखनऊ के विकास प्राधिकरण में जनता अदालत लगी हुई थी। 19 साल से अपने बगान के मुकदमे को लेकर अफसरों के चक्कर काट रहे एक बुजुर्ग शख्स ने यहाँ पर विशेष कार्य अधिकारी को तमाम बातें बताई। इस दौरान उनकी अधिकारी से कहा सुनी हुई। अफसर साहब की बात ऐसी थी कि उन्होंने तमाम बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग शख्स ने जब अपनी बात रखनी चाही तो उनको जवाब में इस अफसर का थप्पड़ मिला। जिन PCS अफसर पर थप्पड़ मारने का आरोप है, उनके नाम के पहले 1008 और श्री श्री भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी बड़े मठाधीश से कम थोड़ी हैं। उनके जलवे ये हैं कि अगर जांच हो जाए तो कोई अफसर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। माई बाप का नाम सुनिए, DK सिंह है। जब प्रदेश सरकार पर ठाकुरों के संरक्षण का आरोप लगता हो तो DK सिंह कहाँ पीछे रहने वाले थे। उनको लगा कि बाबा के राज में वो भी बच जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण में हुई इस घटना को लेकर पूरा प्राधिकरण शर्मसार है। बताया जाता है कि DK सिंह के थप्पड़ मारने के बाद जब विवाद बढ़ा तो वो मौके से भाग निकले। इसके बाद वाइस चेयरमैन इंद्रमणि त्रिपाठी को आकर स्थितियां संभालनी पड़ी। इस मामले में गोमती नगर पुलिस को एक तहरीर दी गई है, जिसके बाद मुकदमा होने वाला है। मैं अपनी शिकायत लेके आया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश शर्मा है सर। मैं अपनी शिकायत लेके आया था, 19 साल से परेशान हूँ। मेरे मकान पे इन्हीं लोगों ने कब्जा कराया 2009 में। मैं मुझको रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे। फिर मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा 2012 में। उसके बाद जब मैं हाईकोर्ट गया, वहाँ से आदेश आया तो भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। 2018 में मुझे रजिस्ट्री की। आज क्या हुआ? आज की क्या घटना? मैं यही सब अपना बता रहा था सर। मेरे मकान कब्जा करवा दिए, कहते आज कराऊंगा कल कराऊंगा, कोई कब्जा नहीं करवा रहे। वो मकान मेरे कब्जा किए हुए। अभिषेक प्रकाश जी ने 2021 में कहा कब्जा कराइए, सब कुछ बताया। पवन गंगवार है, उन्होंने फिर रोक दिया। पवन गंगवार टोटल मिले हुए सर भूमाफियाओं से। अभी आज का आज की घटना क्या है? आज की घटना ये, मैं बात कर रहा था उनसे, DK सिंह साहब है यहाँ पे अधिकारी, उन्होंने मेरे 2-3 तमाचे मार दिए, चश्मा तोड़ दिया, खून भरा मेरे। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कही की? किससे कहूँ सर, आप ही लोग थे यहाँ पे, सब जनता थी, उनके सामने मैंने कहा ये चौकी इंचार्ज आए, इनसे कह रहा हूँ, लिख के दिया, देखिए क्या होता है। हो गया कुछ नहीं, ये सब मिली भगत था इन लोगों की। ये लोग यहाँ जनता को बुला के यही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते सर। कौन सा दिन है, मैं यहाँ आया नहीं 19 साल में, ये मुझे बताए तो। मेरे पास सभी कार्डिंग है, एक एक मैं सब बता दूंगा। यहाँ का एक एक जना मुझे जान गया है, चाहे गेट पे हो चाहे अंदर हो, लेके प्यून से अधिकारी तक इस तरह मुझे परेशान करते हैं। 69 साल मेरी उम्र है, अब तो मैं जाने के उसमें हूँ तो भी मेरी ये नहीं सुन रहे हैं कुछ। लेकिन अफसरों की मनबढ़ाई का आलम इतना ज्यादा कैसे हुआ, इसे पूछना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा कि जो सरकारी अफसर परीक्षाओं को पास करके आते हैं, उन्हें तमाम तरीके के अधिकारों के साथ क्या किसी को थप्पड़ मारने का लाइसेंस भी मिलता है? जो वो अपने सामने आए एक शख्स को बिना उम्र का लिहाज किए थप्पड़ जड़ देते हैं, क्या इन अफसरों से उनके घर के लोग ये सवाल नहीं करते कि वो क्यों उम्र का लिहाज भूल गए? क्यों वो नहीं समझ पाए कि जिस शख्स को उन्होंने थप्पड़ मारा वो मजबूर होगा तभी उनके दरवाजे पर आया? कोई वैसे भी सरकारी अफसरों के सामने जाना नहीं चाहता, उत्तर प्रदेश में तो खास करके, जहां अधिकारी अपने पद के लोभ में इतने मस्त हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।